मैं आपको मोमेंटो प्रदान करने के लिए आवाज देना चाहता हूं। भाई राहुल धाकड़ आप आए और सर का मोमेंटो प्रदान करके आप करें। राहुल धाकड़ रामू मंडी। अगर गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए, मिले आशीष जिनका तो उसे एक पहचान मिल जाए, भला कैसे नहीं उसका मुकद्दर बदलेगा। अगर कमजोर बच्चे को आप जैसा पिटाई मिले, जोरदार तालियां सर के लिए। और सर ने देखिए कितनी बड़ी बात है, तैयार करते हैं और सर आप आए, सर बहुत बहुत आपका दिल से हम स्वागत करते हैं। भाई साहब राजेश जी मंडलोई, पूर्व सरपंच सुनील और जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस, आप आए और अपने महत्वपूर्ण शब्दों के माध्यम से किस प्रकार से हम सामाजिक क्षेत्र के सेवा के लिए आगे बढ़ सके अपनी बात रखें। राम राम साहब, परम सम्मान्य मंचाजी इंदर सिंह जी मंडलोई साहब, परम सम्मान्य नाथूलाल जी जनपद साहब, परम सम्मान्य मार साहब, परम सम्मान्य कनवाड़ा के नवनिर्वाचित बरा साहब एवं यूथ के फ्रेंड्स के अध्यक्ष गोविंद जी धाकड़, अभी अभी कॉलेज प्रेसिडेंट के चुनाव जीतने वाले खुशवंत जी एवं मेरे तमाम मंचासीन साथियों और प्यारे भाइयों बहनों और पिता तुल्य बुजुर्गगण, भाई आपन सब आ गया। आर्यन जी ने बुलायो, टेंट लगा दियो, माइक वाइक पकड़ा दियो, पर आधी हमारी बहने याद नहीं होगा आपने क्यों आए, बताओ क्यों आया भाई। अगर एक आधा याद हो बताओ भाई, आर्यन जी को नौ तो अड़से रहा और कहीं बताओ नहीं याद, क्योंकि आपने परिपाटी कि आपने समाज का बाहुल्य में है, ठीक है कोई ने बुलायो अपना आणु है व्यवहार है, पर अने समझोगा तो आर्यन जी ने बहुत अच्छो करे है, गांव का केवल रोड बनाए तो सरपंच कर पाला, पर अण के अलावा जो सरकार की मानसिकता है महिला सशक्तिकरण, मतलब महिला सशक्तिकरण बेन हमको मतलब ये कि भाई महिला खुद अपनी सशक्त हो गए कि आपने महिला प्रधान की पुरुष प्रधान की महिला प्रधान देश बन सके, मतलब आज के आपने पुरुष प्रधान देश के अगर महिला प्रधान मतलब ये भी खुद अपनी सक्षम हो जावे कि भी खुद अपनी जीविका चलावा के लिए खुद कमा सके। आज ये दो चार घर सुनील में भी है, क्योंकि बड़ी जगह है कि जहाँ बड़ा घर वाली बहन जी है, बड़ा घर वाला केवल बच्चे बच्चे संभाले और रोटियां बनावे, घर के अलावा अपनी काम नहीं, वो महिला प्रधान वालों का काम हो। आपने यू नहीं कह रहा कि बिल्कुल अढ़ाई कमाई का लग जाओ, पर गवर्नमेंट की इच्छा है कि आप भी अपना आप में कमाओ, आप भी सक्षम हो, ताकि आपे मतलब आपे शोषित नहीं होना पड़े, आपे मतलब यू नहीं घर की दो बात सुननी अनुवास्ते पड़े कि आप महिला हो। तो वह जो परिपाटी है वने दूर करवा के लिए अड़ाने जो आपने आरएनजी वगैरह ने करियो काम बड़ा अच्छो काम है, और जैसे आज आर्यन जी ने अपने क्षेत्र में काम करा, ऐसे फ्रेंड्स क्लब वाले अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ऐसे खुशवंत जैसे नए लड़के अपने राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ऐसे मन्नत कंप्यूटर वाले जो अपने कंप्यूटर वाले क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो ये सब वो फूल है जो एक इनको सबको आपस में एक समाज के इन सबको कोके बन आराम से बहुत अच्छी माला बना सकते हैं, और इन सबके जो वास्तव में अगर आप कोई चीज करते हो महिला सशक्तिकरण को लेकर तो मेरे लिए जो भी आपको सहयोग की आवश्यकता होगी, चाहे बिल्डिंग हो, लाइट कनेक्शन हो, नल कनेक्शन हो, क्योंकि स्टेज बना रखा हमने इंडस्ट्री डालने के लिए 30x60 का होल है, तो वो सब आपको लगभग निःशुल्क वाली रेट में आपको अवेल कराएंगे। इसी आशा के साथ धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। जोरदार सर के लिए आपके सम्मान में मैं आवाज देना चाहता हूं। भाई गोपाल धाकड़ आप आए और भाई साहब राजेश जी मंडलोई को मोमेंटो प्रदान करके एक आभार प्रकट आज की ओर से कार्यक्रम में सम्मान प्रदान करें। गोई गोपाल धाकड़ कार्यक्रम वाणी के माध्यम से और सामाजिक सरोकार को समेटते हुए अपनी बात रखते हैं। हाल ही में सरपंच के रूप में कनवाड़ा से भारत माता की मां बिना देवी को नमन करते हुए, भगवान बलराम को नमन करते हुए, सम्मानीय मंच साथ ही माइक प्रसन्नता फाउंडेशन के डायरेक्टर आर्यन जी और उनको
पुत्र के जन्म दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामना देता हूँ, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों मेरे से पहले प्रवक्ताओं सब कुछ बोल चुके, बोलने के लिए सब कुछ रहा नहीं, पर मेरा एक मानना है अगर अपने मानव धन पाया है ऐसा कोई काम करना जो उस मानव धन पाने का सार्थक होता है। माइक प्रसन्नता फाउंडेशन देश में सेना में जाने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करेगा, इस हेतु आपकी भी एक कहीं न कहीं मार्गदर्शक की भूमिका आज हमारे साथ जुड़ेगी, बहुत खुशी होगी। मेरा ये मानना है कि पैसा तो बहुत जगह है, पैसा बहुत जगह है मेरे दोस्तों, पर भारतीय सेना की नौकरी से अच्छी कोई दुनिया में कोई नौकरी नहीं है। मेरा एक बेटा है और मेरा प्रयास है और उसका भी यही एम है कि जब वो नौकरी करेगा तो इंडियन आर्मी की नौकरी करेगा। मेरा जो इलाका है झालावाड़ कोटा से इधर भवानी मंडी के आसपास का इलाका, हम लोग इस फौज के बारे में कुछ नहीं जानते। हम लोग बच्चा बड़ा हुआ पटवारी बन जाएगा, मास्टर बन जाएगा, वह ठीक नहीं, तनख्वाह भी लेनी, मातृभूमि की सेवा भी करनी, वो नसीब वालों को मिलता है। मैं 26 साल भारतीय नौकरी भारतीय सेना में सम्मानजनक नौकरी करके आया हूँ और मैं 2013 में पेंशन आया और पेंशन आने के बाद मैं समाज सेवा से काम कर रहा हूँ। आर्यन जी जो काम शुरू किया मैं इसके लिए इनको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। आपके एक प्रयास बहुत बड़ा प्रयास एक दिन सफल साबित होगा, ये मेरी इसी आपको शुभकामना है। क्यों कि मैंने जब आया समाज में उसके बाद मैंने ब्लड डोनेशन कैंप, मैंने खुद देहदान संकल्प ले रखा है। मैं अभी मेरी 55 ईयर एज 55 साल मेरी उम्र है और मैं 24 बार ब्लड दे चुका हूँ, 24 बार आपके सामने स्वस्थ हो रहा हूँ मैं। और एक बार जिंदगी में ध्यान रखना, जो आदमी ब्लड दान करता है उसको कभी घर में खून की जरूरत नहीं पड़ती है, ये लिख लेना आप। जो आदमी रक्त दान करता है उसके घर में कभी रक्त की जरूरत नहीं पड़ती है, रक्त की जरूरत उसको पड़ती है जो रक्त दान नहीं करता है। इसलिए रक्तदान महादान, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। पैसा दान कोई भी दे देगा और रक्तदान महादान से कोई बड़ा दान नहीं। दूसरा मैं आपको एक और निवेदन करना चाहता हूँ, मैं भारतीय किसान संघ में भी काम करता हूँ तो एक छोटा सी बात में थोड़ी देर से हटते हैं। एक हमारे समाज एक बहुत बड़ा बर्बादी कर जा रहे हैं हम लोग, जहर मुक्त खेती नशा मुक्त समाज, हम लोगों ने थोड़ा जैविक की तरफ भी काम करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा क्योंकि आज के समय की मांग है, क्योंकि केमिकल नहीं डालेगा पैदावार नहीं होगी, पैदावार नहीं होगी तो हमारा गुजारा नहीं होगा। तो मैं नहीं कह रहा आपका 20 बीघा जमीन है तो उसमें 2 बीघे प्रयास कीजिए, आप धीरे धीरे जैविक की तरफ जाइए आप, क्योंकि आज पंजाब हम जब पहले पढ़ते थे कि देश के अंदर सबसे ज्यादा पैदावार पंजाब में होती थी, सबको पता है पंजाब में यहाँ के लोग जाते हैं वो गेहूं की पैदावार पंजाब में से कहीं भी नहीं है। आज पंजाब की जमीन बंजर हो चुकी है, पंजाब की जमीन सिर्फ केमिकल की वजह से बंजर हो चुकी है। तो अपने को भी प्रयास करना चाहिए धीरे धीरे, जैविक खेती में पैदा होने में 3 से 4 साल लगते हैं अगर सही आपको प्रचार लेना, तो उसके लिए थोड़ी थोड़ी जमीन को अपने इसमें भी इस्तेमाल करें। दूसरा एक माता बहना घर में अपने चलन चल गया, वो गुटखा खाने वाला, हमारे घर में एक चलन दूसरा चल गया नशा मुक्त समाज। नशा मैं आपको बताऊं, जैसे शराब है तो शराब को तो मेचोड आदमी पीता है, पर उससे एक खतरनाक चीज जो चल गई हमारे घरों में वो गुटखा खाने वाली, हम खाते खाते हमारी माता बहनें भी खाती है उसको। तो प्रयास करें घर में अगर कोई बड़ा बुजुर्ग खाता है उसको घर के बाहर खा खाए, बच्चों के सामने ना खाए। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद जो लोग हम बैठे जो खाते गुटखा खाते हैं नशा करते हैं, ये मैं चाहता हूँ कि आप बाहर खा रहे बच्चों को नहीं दिखाए। ये बहुत बड़ी हमारे साथ समाज में दो चीजें हो रही है, इनको रोकने का प्रयास करें। आपने मेरे को यहाँ बुलाया, आपने सम्मान दिया, मेरी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। जोरदार तालियां। और हमारे ओम प्रकाश जी मेघवाल साहब जिनको फौजी जी बोलते हैं उनके सम्मान में 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि आओ छुप कर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, किस कदर खुश नसीब है वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है। एक बार जोरदार तालियां। आपके सम्मान एवं मोमेंटो प्रदान करने हैं तो आवाज देना चाहता हूँ शिवलाल जी धाकड़ लालगांव से एवं भाई साहब धनराज जी जो कि सिरपोई से आए हैं हमारे बीच में, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, आप आए एवं भाई साहब ओम प्रकाश जी का मोमेंटो प्रदान करके आभार प्रकट करें। धनराज जी एवं शिवलाल जी धाकड़ लालगांव। जमीन
शिवलाल जी धाकड़ एवं कृषि को बेहतर तरीके से और जैविक पद्धति से करने के लिए प्रयास रहता है। आपने यहाँ पर पहुँच के हमारे सपनों की उड़ान जिसका नाम है माँ एक प्रसन्नता फाउंडेशन और जिसका प्रयास रहेगा जैविक कृषि को दबे कुचले कोने में प्रयास कर करके बढ़ावा देने हेतु आपको आवाज देना चाहता हूँ। आप आए और कृषि को बेहतर तरीके से और जैविक पद्धति से करने के लिए प्रयास रहता है। आपने यहाँ पर पहुँच के हमारे सपनों की उड़ान जिसका नाम है माँ एक प्रसन्नता फाउंडेशन और जिसका प्रयास रहेगा जैविक कृषि को दबे कुचले कोने में प्रयास कर करके बढ़ावा देने हेतु आपको आवाज देना चाहता हूँ। आप आए और